अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रेनियल कैविटी के बारे में। क्रेनियल कैविटी में दो रीजन्स होते हैं, एक उसकी जो है वो वॉल्ट रीजन होता है, ठीक है, और एक उसके पास क्या होती है, बेस होती है। बेस के अंदर फर्दर तीन क्रेनियल फोसाज हैं, उन्हें हम पहले पढ़ेंगे। दैट इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा जो ये रीजन बनता है, ठीक है, मिडल क्रेनियल फोसा जो ये रीजन बनता है, एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो ये रीजन बनता है, ये स्कल की बेस है, ठीक है। जैसे हम इंफीरियर व्यू में भी पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको एक दो डायग्राम्स दिखाती हूँ। पहले इंटीरियर क्रेनियल फोसा से मुराद हमें ये रीजन है, ये दरमियान में बच्चों क्या होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा, एंड फिर क्या होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। अगर हम इसे स्कल से देखना चाहें तो ये अंदर क्या है, हमारे पास कैविटी है, ठीक है, और ये बेस है स्कल की, बेसिकली ये बेस है स्कल की। ये है बच्चों इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अगेन ये है हमारे पास इंटीरियर क्रेनियल फोसा जो 70% होता है, दिस इज द मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और ये दरमियान में जो ओपनिंग हमें नजर आ रही है, दिस इज द फोरमेन मैग्नम, और यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा के नीचे। अब हम इसकी बाउंड्रीज और इसके फीचर्स देखते हैं जो बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर क्रेनियल फोसा को, तो बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इस पूरे रीजन को कवर करेंगे, यहां तक बेसिकली इंटीरियर क्रेनियल फोसा है। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीरियरली ये जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये बाउंड हुआ हुआ है किससे, फ्रंटल बोन से। ये ब्लू में कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन, और पोस्टीरियरली इसको किसने कवर किया हुआ, येलो कौन सी बोन होती है, स्पिनॉइड, और स्पिनॉइड का भी ये कौन सा विंग है, लेसर विंग। सो पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड। अब ये जो लेसर विंग है स्पिनॉइड का, ये आगे के लेटरल साइड पे किसके साथ अटैच है, खुद फ्रंटल के साथ, ठीक है। और अगर इस स्पिनॉइड की हम बात करें एंटीरो इंफीरियर, तो ये टीरोइन प्रोसेस बना रहा है, जैसे हमने पहले भी देखा है टीरोइन एक एच प्रोसेस होता है जहां पे चार बोन्स यूनाइट हो रही होती हैं, फ्रंटल, स्पिनॉइड, टेम्पोरल एंड पराइटल, ठीक है। हमने क्या कहा, ये इंटीरियरली बाउंड है किससे, फ्रंटल से, और पोस्टीरियरली लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड, लेकिन लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड लेटरली खुद अटैच हुआ है किसके साथ, फ्रंटल के साथ, और एंटीरो इन्फीरियरली टीरोइन प्रोसेस में। अब इस साइड पे आ जाते हैं, मीडियल साइड पे लेटरल को देख लिया, मीडियल साइड पे बच्चों ये जो लेसर विंग होता है स्पिनॉइड का, ये दो प्रोसेस बनाता है दोनों साइड पे, उसे हम बोलते हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, और यहाँ पे आकर अटैच होता है, ये अटैचमेंट होती है टेंटोरियम सेरिबली के लिए, ठीक है। किसकी अटैचमेंट होती है, टेंटोरियम सेरिबली के लिए ये अटैचमेंट है। अब यहां से अगर हम ऊपर जाएं तो वो कहता है जो इसका मीडियन पोर्शन है एंटीरियर क्रेनियल फोसा का, वो थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि यहां पे ग्रूव प्रेजेंट है जो किसके लिए है, ऑप्टिक चेस्मा के लिए, ठीक है। बाउंड्रीज इसकी हमने देखनी है। अब हमने जो है वो इंटीरियर क्रेनियल फोसा की जो फ्लोर है वो देखना है, तो फ्लोर में बच्चों दो प्लेट्स है। सबसे पहले ये जो बोन आपको नजर आ रही है ना लाइट ग्रे में, ये एथमॉइड बोन है, ठीक है। कौन सी बोन है, एथमॉइड। इंटीरियर क्रेनियल फोसा बनाने में तीन बोन्स इन्वॉल्व हैं, फ्रंटल, स्फिनॉइड एंड एथमॉइड, ठीक है। दो प्लेट्स है फ्लोर के अंदर, एक है हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल प्लेट, ठीक है, और एक एथमॉइड के ऊपर है हमारे पास सेरिब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है, जो इसको कहते हैं हम, ये हमारे पास जिसमें आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे होल नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सेरिब्रिफॉर्म प्लेट है और ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेट है, दो प्लेट्स हैं। अब इस सेरिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर हमें ये एक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टा गैली या गली क्रिस्टा गैली, GALLI, ठीक है। और इस क्रिस्टा गैली के ऊपर अटैच होता है आकर फेलिक्स सेरिब्री, क्या अटैच होता है इसके ऊपर, फेलिक्स सेरिब्री, ठीक है बच्चों। एक और बात ये कि फ्रंटल बोन के ऊपर यहाँ पे एक क्रस्ट है, ठीक है, और ये नीचे क्या है हमारे पास, क्रिस्टा गैली, ठीक है, क्रिस्टा गैली, और ये जो क्रस्ट है फ्रंटल बोन के ऊपर, इन दोनों के दरमियान एक स्मॉल अपर्चर प्रेजेंट है। इस अपर्चर को बच्चों हम बोलते हैं फोरमेन सीकम, इसे हम क्या बोलते हैं, फोरमेन सीकम, और ये एक ओपनिंग होती है, इसमें से जो नेजल म्यूकोजा की जो स्मॉल वेन्स होती हैं वो इसमें से गुजरती हैं और यहाँ पे सुपीरियर सेगिटल साइनस में जाती हैं, ठीक है, यहाँ सुपीरियर सेगिटल साइनस में जाती हैं। अगेन फ्लोर में हमने कहा एक ऑर्बिटल प्लेट है और एक ये एथमॉइड की ये जो परफोरेटेड प्लेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं सेरिब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है, दो प्लेट्स हैं। इस सेरिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर एक जो है वो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टा गैली, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा गैली, और इसके ऊपर अटैच होता है आकर फेलिक्स सेरिब्री, ठीक है, ये क्रिस्टा गैली है और इसके ऊपर आके क्या अटैच होता है, फेलिक्स सेरिब्री। उसके बाद हमने कहा ये जो क्रिस्टा गैली है और यहाँ पे एक क्रस्ट है, इन दोनों के दरमियान एक प्रोजेक्शन है जिसे हम बोलते हैं फोरमेन सीकम, यहाँ से नेजल की जो स्मॉल वेन्स हैं वो जाती हैं इधर ऊपर कहाँ पर, सुपीरियर सेगिटल साइनस की तरफ, ठीक है, सुपीरियर सेगिटल साइनस की तरफ। और इस जो हमारे पास है क्रिस्टा गैली और नीचे क्या है, सेरिब्रिफॉर्म प्लेट, इनके दरमियान यहाँ पे बच्चों एक जो है वो स्मॉल स्लिट्स होती हैं, उनमें से इंटीरियर एथमॉइड नर्व्स गुजर के जाती हैं नेजल कैविटी में। उसके अलावा ये जो छोटी छोटी परफोरेशंस नजर आ रही हैं आपको, यहाँ से गुजरती हैं
यहाँ से गुजरती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो ठीक है, हमारा इंटीरियर एब्डोमिनल फोसा जो है वो कवर हो गया। इन्हों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि इसके इंटीरियरली क्या है, फ्रंटल बोन। ठीक है, इसके पोस्टीरियरली क्या है, स्मॉल विंग ऑफ स्फीनॉइड। जो स्मॉल विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन है वो लेटरली किसके साथ अटैच है, खुद फ्रंटल के साथ, और एंटीरियो इन्फीरियरली किसके साथ है, टीरोइन प्रोसेस में जहाँ चार बोन्स अटैच हैं। फिर अगर हम मीडियल साइड पर आएँ तो ये प्रोसेसेस बनाता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। उनके ऊपर आकर क्या अटैच होता है, अटेंटोरियम सेरिबली। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हम इसके फ्लोर पे आ जाते हैं। फ्लोर में एक हमारे पास है ऑर्बिटल प्लेट्स और दूसरा हमारे पास एथमॉइड के ऊपर है सेरिब्री फॉर्म प्लेट्स। ठीक है, सेरिब्री फॉर्म प्लेट के ऊपर एक प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्रिस्टा गैली, और इस प्रोजेक्शन पे अटैच होता है फ्लेक्स सेरिब्री मसल। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्शन है और यहाँ पे फ्रंटल की क्रस्ट है, इन दोनों के दरमियान में एक अपर्चर है, यहाँ से गुजरती हैं नेजल म्यूकोजा की स्मॉल वेन्स और इस सुपीरियर साइनस में जाती हैं। इसके अलावा उसने कहा कि इस क्रिस्टा गैली के साथ नीचे यहां पर जो है वो स्लिट्स होती हैं और वहां से गुजरती हैं इंटीरियर एथमॉइड नर्व्स। ठीक है, एंड देन ये जो छोटी छोटी आपको नजर आ रही हैं सुराख नजर आ रहे हैं, यहाँ से गुजरती हैं हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर क्रेनियल फोसा। कुछ बच्चे इस बुक से भी करते हैं तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास है बच्चों इंटीरियर क्रेनियल फोसा, जो लेसर विंग है स्फीनॉइड का, इससे ऊपर ऊपर। ठीक है, इंटीरियरली अगेन इसमें क्या है, हमारे पास फ्रंटल बोन, और पोस्टीरियरली इसमें क्या है, लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन। ये लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन खुद जाके लिटरली किसके साथ अटैच होता है, इसी फ्रंटल बोन के साथ, और यहाँ पे नीचे जो है वो टीरोइन प्रोसेस में। ठीक है, अगर हम देखें कि ये जो लेसर विंग है स्फीनॉइड का, ये नीचे आके क्या बना रहा है, दो इंटीरियर क्रेनॉइड प्रोसेस बना रहा है, जिनके ऊपर कौन सा मसल लगेगा, टेंटोरियम सेरिबली। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, सॉरी मीडियली, वो थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट है फॉर ऑप्टिक चश्मा। और अब हम प्लेट्स की बात करते हैं। फ्लोर में यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक प्लेट हैं, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ऑर्बिटल प्लेट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास है एथमॉइड बोन की सेरिब्री फॉर्म प्लेट। सेरिब्री फॉर्म प्लेट्स के ऊपर एक प्रोजेक्शन है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टा गैली। ठीक है, और क्रिस्टा गैली और ये जो हमारे पास क्रस्ट है फ्रंटल बोन की, इन दोनों के दरमियान एक स्मॉल अपर्चर है, और इस अपर्चर को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन सीकम। यहाँ से स्मॉल वेसल्स गुजरती हैं, वेन्स गुजरती हैं, और यहाँ पे जाती हैं सेगिटल साइनस ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारे पास एथमॉइड बोन है, इस पर भी छोटी छोटी परफोरेशंस होती हैं, और ये परफोरेशंस किसके लिए होती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स के लिए। यहाँ पे एक स्लिट होती है, उसमें से गुजरती हैं एंटीरियर एथमॉइड नर्व्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर क्रेनियल फोसा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिल क्रेनियल फोसा एंड देन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को डिस्कस करेंगे।